नमस्कार, मैं पिंकेश अग्रवाल, मार्ग सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं पेमेंट की एंट्री मार्ग में कैसे करेंगे। अगर हम कोई पेमेंट किसी सप्लायर को करते हैं तो वो पेमेंट 3 स्टेप्स में हम को एंट्री करनी है, जिसके लिए हमको अकाउंटिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है। देखिए, मेनू बार में मुझे यहाँ पे पेमेंट का बटन दे रखा है मैम ने। अगर आपके पास में सिल्वर एडिशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बेसिक एडिशन है, तो आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाके भी पेमेंट की एंट्री, वाउचर एंट्री में पेमेंट की एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपको डेट पूछेगा, जो कि पहली स्टेप है। आपको कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर को बस फॉलो करना है 3 स्टेप में। पहला डेट पूछेगा, मैं डेट डाल देता हूँ, जैसे कि 10/2/2 को मैंने पेमेंट किया हूँ। तो पार्टी पूछेगा, मैं यहाँ पार्टी सर्च कर लेता हूँ, जैसा कि आर यू ऋषभ मेडिकल एजेंसी, इनको मैंने पेमेंट किया और कितना रुपये किया, जैसा कि 50 रुपये कर दिया। बस बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आँख बंद करके अगर एंटर भी बटन प्रेस कर दोगे तो ये पेमेंट की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो 3 स्टेप्स में आपने देखे कि पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। बट अगर इसमें एक चीज सिनेरियो होता है कि आपने अगर कैश में पेमेंट किया तो ठीक है, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया तो आपको अकाउंट ग्रुप बैंक सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसा कि हम देखेंगे कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया है किसी ऋषभ मेडिकल एजेंसी को, तो कैसा करेंगे। पॉइंट 1, डेट डेट डाल दूंगा, जैसे कि अभी मैं काम करता हूँ, डेट चेंज करता हूँ, 12/2 की एंट्री करता हूँ, किसको पेमेंट किया। पॉइंट 2, ऋषभ मेडिकल एजेंसी को किया। यानी तीसरी स्टेप्स बोले तो उस कितना पेमेंट किया, जैसे कि मैंने 50 रुपये पेमेंट किया, इस तरह से। बस बाकी कुछ नहीं, अगर अगर मैंने बैंक से पेमेंट किया तो यहाँ पे बस मुझे रुकना है, यहाँ पे कैश की जगह स्पेस बार बटन प्रेस करके बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसा कि अभी बैंक ऑफ इंडिया BOI टाइप करता हूँ, मुझे अकाउंट नहीं मिला तो मैं F2 से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। देखिए, F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ बट लेजर बन नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे F7 बटन प्रेस करके रिफ्रेश कर दूंगा लेजर की लिस्ट को एक बार, तो पूरे लेजर आ जाएंगे। और फिर से F2 बटन प्रेस कर दूंगा और यहाँ ग्रुप सर्च करूँगा बैंक, क्योंकि मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रुप बने रहते हैं तो आपको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पे बैंक सर्च करेंगे और बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नाम डाल देंगे BOI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बस एंटर एंटर बटन दबा दूंगा, सेव कर दूंगा। इस तरह से देखो, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, बस एंटर मार दूंगा, एंटर एंटर एंटर। जो भी आपका ट्रांजेक्शन ID रहेगा, चेक नंबर रहेगा, जो भी रहेगा, आपको यहाँ पुट करना है और एंटर मार के आगे चलना है। इस तरह से बैंक में पेमेंट की एंट्री होती है, बैंक की और कैश की, 3 स्टेप में, बहुत ही आसान स्टेप जो कि मैंने अभी आपको दिखाया हूँ। धन्यवाद।